नमस्कार, दोपहर के टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है और हम सभी जानते हैं 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। जैसा कि एक विधानसभा सीट जहां पर फिलहाल हम मौजूद हैं, जिसे परमाणु नगरी के नाम से जाना जाता है, वहां पर रोचक जो है मुकाबला देखा जा रहा है। दरअसल हम मौजूद हैं जैसलमेर की पोकरण विधानसभा सीट पर, जहां पर धर्म की जो है राजनीति, या कहे कि धर्म का चुनाव है जो यहां पर होने वाला है, क्योंकि यहां पर महंत प्रताप पुरी जी को जो है बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है। तो वहीं सालिम मोहम्मद, जो गाजी फकीर के बेटे हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, यहां पर दो बार जो है कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल कर चुके हैं और एक बार फिर से जो है चुनावी मैदान में हैं। 2023 के इन विधानसभा चुनावों में जो पोकरण की विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो चुनाव है बेहद रोचक होने जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ लोग भी मौजूद है। चलिए, ये सब्जी की दुकान है जहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि कई मुद्दे जो है इन लोगों से निकल कर आते हैं कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, वो इस बार क्या जो है किसी इस बार जो है चुनने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सोहनलाल। सोहनलाल जी, आपको क्या लगता है इस बार आप किसे वोट देने वाले हैं पोखरण? कांग्रेस को। कांग्रेस को, क्या वजह? वजह, उन्होंने बहुत सारा काम करवाया है। जैसे? जैसे हर कोई भी काम है, निजी तो काम किसी के होते नहीं है, और समाज के काम हुए, विकास के कार्य हुए बहुत। हम बिल्कुल जनता से जुड़े मुद्दों की ही बात कर रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ पर विकास कार्य हुआ है? देखो, 2008 में ये जो अस्तित्व में आई है विधानसभा सीट, इससे पहले जैसलमेर में ही शामिल थी, उसके बाद क्या विकास कार्य यहाँ हुए? जैसे रोड बनना और पानी की टंकी बनना, घर घर पानी पहुँचना, हर काम हुआ है। स्वास्थ्य से संबंधित के लिए बहुत बढ़िया स्वास्थ्य, यही देख लो सामने, ये अब जिला अस्पताल घोषित हो गया CSE से, ये विकास हुआ है। स्कूलें हो गई, 10वीं से 12वीं हो गई, हर 20 किलोमीटर दूरी पे 12वीं की स्कूल हो गई, बहुत सारे हुए। आप बताइए। शरीफ खान नाम है जी। कांग्रेस ने बहुत अच्छा विकास करवाया है सालिम मोहम्मद जी ने, अब की बार और वापस जीतेंगे, बहुत अच्छा है पोकरण माहौल, एक तरफा है। बतौर जनता आप क्या चाहते हैं, जिसकी भी आप सरकार यहाँ पर बनवाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं पोकरण में यहाँ पर और क्या विकास हो? पोकरण में और पानी का हो गया है, सड़क का और होना है, बाकी स्कूलें वगैरह बहुत अच्छी हुई है, विकास में कोई सालिम मोहम्मद जी ने कमी नहीं रखी है, बहुत अच्छा विकास हुआ। आप बताइए। मेरा नाम अल्लादीन खान है। जो एक जिले लेवल का जो मतलब जो एक जिले लेवल का कार्य था, वो सभी यहाँ पर हो चुका है। जैसे यहाँ पर जिला अस्पताल बन चुका है, यहाँ पर मतलब RTO का जो मुख्य जहाँ पर जो कार्यालय था, वहाँ पर जैसलमेर की पासिंग थी, वो RJ 55 यहाँ पर मतलब करवा दिए हैं, मतलब सालिम मोहम्मद जी ने, और जितने भी स्कूलें थे वो सभी को कर्मोन्नत करवा दिया है, नई नई मतलब ग्राम पंचायतें बनवा ली उन्होंने, और नई पंचायत समितियां बना ली हैं, और इससे ज़्यादा और क्या विकास सही जी। चलिए, यहाँ पर और आप बताइए, बतौर युवा क्या कुछ काम यहाँ पर हुए हैं, युवाओं के लिए क्या क्या है सालिम मोहम्मद? मेरा नाम रफी खान है। बहुत अच्छा कार्य हुआ है पोकरण में, सबसे बड़ा काम अभी चल रहा है ट्रॉमा सेंटर का, बहुत असर, और वापिस पोकरण कांग्रेस सरकारी आएगी। मतलब आप समर्थन में हैं सालिम मोहम्मद जी? बिल्कुल समर्थन में। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको, अगर आप एक निजी बात उनकी बात करें तो, हम सबसे अच्छा क्या लगता है सालिम मोहम्मद जी? 36 कौम के साथ लगा हुआ है सालिम मोहम्मद जी का, यही है, बाकी जनता कोई भेदभाव नहीं है, 36 कौम साथ में चलती है, यही चाहती है कि सालिम मोहम्मद जी दोबारा आए। कोई धर्म के नाम के राजनीतिक नहीं होती, सब साफ सभी के, बहुत अच्छा विकास भी करवा रहे, 36 कौम को साथ में लेकर चल रहे, कोई कमी नहीं है विकास में भी, बहुत अच्छा है। चलिए, यहाँ पर सब्जी वाले भैया हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर हम चाय को लेकर, अगर हम देखें चाय की थड़ी पर या फिर सब्जी की दुकानों के आसपास हमें काफ़ी लोग नजर आ भी जाते हैं, तो चलिए इनसे भी जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी, क्या करते हैं आप? सब्जी का गांव है। अच्छा, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने इस बार पोकरण? सरकार महाराज की बनेगी, प्रतापपुरी जी की। प्रतापपुरी जी की, वजह? वजह बीजेपी लानी अब की बार। अच्छा जी, तो लास्ट अगर हम ईयर की बात करें तो यहाँ पर चुनाव हुए थे, क्या वजह है कि यहाँ पर सालिम मोहम्मद जी को जिताया गया?
अगली बार साले मोहम्मद जी आपकी बार भारी मतों से प्रतापपुरी जी आएंगे। भारी मतों से जी, आप बताइए। आप बिल्कुल महाराज जी, प्रतापपुरी जी यहाँ आएंगे। यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं। ये बता ट्रेमा बन गया, ये बन गया। यहाँ ये हॉस्पिटल एक दिन भी जाके साले मोहम्मद ने उसके अंदर नहीं देखा कि साफ सफाई है, क्या व्यवस्था है, क्या सुचारू रूप से काम चल रहा है। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, ट्रामा सेंटर का काम चलने से मतलब नहीं। जो पहले वो भी तो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, वहाँ का डॉक्टर पूरा होना चाहिए। मशीनरी जो है यहाँ पर, सोनोग्राफी है वगैरह है, किसी का ऑपरेटर नहीं है किसी भी जगह। बोला स्कूलें बढ़ गई, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को कर्मोदित कर लिया, वहाँ पर अवेलेबल कोई भी अध्यापक नहीं है। बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, विकास का दावा किया जा रहा है, फिर विकास जीरो है। कोई दावा, ये सब दावे उस पे है, होल्डिंगों पे, ग्राउंड पे कोई वो नहीं है सब। अच्छा, तो ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दोनों ही मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, इनके मुताबिक जो दावे किए गए होल्डिंग्स पर वो जुमले ये बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर और भी लोग हैं, आप बताइए जी। चलिए बता ही नहीं रहे आप बोलेंगे कुछ। किसकी सरकार, अच्छा ये बता दीजिए किसकी सरकार बनेगी। सरकार जैसी की बनेगी, अच्छी बननी चाहिए। यहाँ पोखरण में किसको चाहते हैं आप? मैं सबको चाहता हूँ जो यहाँ का अच्छा नेता बने, वो सबसे पहले। आप युवा है, साले मोहम्मद जी यहाँ पर दो बार विधायक रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबसे पहले हॉस्पिटल सबसे अच्छा होना चाहिए यहाँ का, जो बहुत ही घटिया है यहाँ पे। अच्छा ओके, वो वहाँ पे होल्ड है, काम चालू होगा तब पता चलेगा। कुछ नहीं, आप बताइए। यहाँ तो पोखरण के अंदर महंत प्रतापपुरी की सरकार बनने जा रही है और बड़े भारी मतों से जीतेंगे। और कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों से सब झूठे वादे किए हैं। कोई अशोक गहलोत साथ गारंटी देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोई इससे फायदा नहीं है। भाजपा से सरकार बनने जा रही है पोखरण के अंदर, भारी मतों से जीत के विजय हो रहे हैं प्रतापपुरी जी। यहाँ के मुद्दों की अगर हम बात करें, क्या क्या समस्याएं हैं पोखरण में? समस्या सर है, पानी की समस्या थी वो अभी सही हुआ, ठीक है ना। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में समस्या तो होती है, उसमें तो वो चीज़ है ही। बाकी हम के बार बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी सरकार को समर्थन करते हैं। अच्छा तो फिर क्या वजह है यहाँ पर दो बार साले मोहम्मद को जितवाया गया? झूठे वादे के चक्कर में है, समझो काम हुआ नहीं यहाँ पर, कोई काम नहीं, काम नहीं। लास्ट बार भी प्रतापपुरी जी यहाँ से लड़े थे, लड़े थे यहाँ से जी। तो फिर वोट नहीं दिया आपने? नहीं, वोट दिया था, हमने कुमारे पोल वाली वो रोड पड़ी है, नया चेहरा था, फिर भी 700 वोट से अंतर रहा, ज्यादा को अंतर नहीं रहा, इतना इफेक्ट नहीं, यहाँ पब्लिक नहीं जानती थी। अब प्रतापपुरी जी यहाँ 100% यहाँ से जीत हासिल करेंगे यहाँ पोखरण से। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? हम महंत प्रतापपुरी जी के देंगे, भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए कांग्रेस की जोड़ी में है सरकार, किसी की बने दो ही सीटें कांग्रेस की जोड़ी में है, जैसलमेर की। किसकी जोड़ी में? कांग्रेस की जोड़ी में, कांग्रेस की जोड़ी में। आप किसे पसंद कर रहे हैं? हम तो कांग्रेस काम को पसंद करे, मैं जन्म जात से कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस ने काम किया यहाँ पर है, कांग्रेस काम किया, बिल्कुल कांग्रेस ने काम किया, जैसे बीजेपी ने नहर लाई है, जरों आदमी भूख मर रहे थे, पेट भर रहे हैं, वो एहसान भूल गए, एहसान फरमाइश है यहाँ की जनता। आज गंगानगर नहर इंदिरा गांधी कांग्रेस की जगह, जरों आदमी मूंगफली चने खा रहे हैं आज उनके पैरों से, वहाँ पानी नहीं था, आज पानी के नाडे चल रहे हैं, कहे पानी की कमी, कहाँ पानी की कमी है, कौन डूबना चाहता मेरा साथ चले, मैं पानी में बताइए बताइए। इस बार प्रतापपुरी जी महाराज भारी मतों से विजयी हो रहे हैं, पूरे जनमानस का रुझान है कि इस बार महाराज जी को अपने भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ये साले मोहम्मद जी के जिन्होंने अपने ये लॉलीपॉप पकड़ाए थे कि ये वादे हम करेंगे, जिनके भी पास पिछले साल गए कि आपकी ये बढ़वा देंगे ये बढ़ाएंगे, उन झूठे वादों में लोग आ गए थे। इस बार ये जनता गुमराह होने वाली नहीं है, महाराज जी के साथ है, पूर्ण बहुमत से, भारी मतों से, 50-60 हज़ार मतों से बाप जी को जिताएंगे। प्रतापपुरी जी से आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही है, वो पोखरण को लेकर क्या करेंगे बताइए? पोखरण को लेकर उनके मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, वैसे उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उनका लग रहा है तो सभी जनता को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर पोखरण का विकास करेंगे जी। और कोई प्रतापपुरी महाराज, प्रतापपुरी संत है, वो सबके लिए बराबर है, संत है, इस वजह से संत है, वो सबको बराबर मानते हैं, हिंदू मुस्लिम, मतलब एक आस्था जुड़ी है उनसे, इस वजह से वोट देना चाहते हैं, या पोखरण के विकास की वजह से? आस्था जुड़ी है, आस्था की वजह से, विकास नहीं चाहिए पोखरण, विकास भी करेंगे, वो आएगा जब करेंगे, विकास तो करेंगे, दोनों चीज वही करेंगे, घर बार नहीं है, सब कुछ है, वो विकास के लिए तो कर रहे, समाज की सेवा के लिए, देश के लिए क्यों कर रहे हैं, उनको क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ विकास के मुद्दा उठा के आ रहे हैं राजनीतिक में। चलिए
ठीक है, तो यहाँ पर लगातार हम लोगों की राय जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पोखरण में इस बार जो है यहाँ की जनता किसे पसंद करने जा रही है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि चूंकि एक महंत वो है तो एक आस्था भी उनसे जुड़ी है, लेकिन ये आने वाली तारीख तय करेगी कि आखिर यहाँ पर चुनाव में जीत जो है किसकी होती है। चलिए आगे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ की राय जो है जनता की वो लेने की कोशिश करते हैं।